हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं एक बहुत ही ऐसी बात करने जा रहा हूँ मोटिवेशन मंत्रा में, जो आपने पहले कई बार सुनी होगी, लेकिन उसका अर्थ कुछ और आपने समझा होगा। आप इस बात को समझना कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के बारे में और फल के बारे में कुछ कहा है, जिसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन लगातार सुना है अपने जीवन में, कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब मैंने पहली बार कहीं इसको पढ़ा और सुना तो लगा कि ये कैसी बात कह रहे हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब कभी हम कोई भी काम करते हैं, समझना धीरे से, अगर आपने एक मोबाइल भी हाथ में उठाया तो आप ये सोचते हुए समझते हुए करते हो कि हाथ से गिर ना जाए। एक छोटा सा काम आप कर रहे हैं, आप एक ग्लास पानी का उठाते हैं तो आप उस छोटे से काम में भी सफल होना चाहते हैं। आप ये सोच कर करते हैं कि वो गिर ना जाए, वो टूट ना जाए। जब आप खाना बना रहे होते हैं तब भी आपके मन में 10 प्रकार की बातें होती हैं कि खाने वालों को अच्छा लगे। कितनी सारी बातें दिमाग में होती हैं। फिर ये कर्म करो, फल की चिंता ना करो, इस बात का क्या मतलब है? और मैं लगातार इसको सोचता रहा। लेकिन ये बात क्या है, मैं समझा दूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो आज और यहीं से आपका जीवन बदल सकता है, अगर आप इस बात को ठीक से समझ लें। गीता में कहीं भी श्री कृष्ण ने ये नहीं लिखा गया है गीता में कि कर्म करें और फल की चिंता ना करें। संस्कृत का श्लोक है जो कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्त्वनि कर्मणि। श्लोक का अर्थ क्या है? ये श्लोक कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका अधिकार कर्म करने में है। मा फलेषु कदाचन, कर्म के फल में आपका अधिकार ही नहीं है। क्या कहना चाह रहा है, मैं थोड़ा आपको आसानी से समझाता हूँ। देखिए, बुजुर्ग लोग ऐसा कहते रहते हैं कि यश अपयश, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, जो भी आप उस परम सत्ता को देना चाहते हैं उसके हाथ में, ऐसा कहा जाता है। इसे भाग्य कहते हैं। फिर क्या मैं भाग्यवादी हूँ या भाग्यवादी होने को कह रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसा भी कुछ नहीं कह रहा। कुछ लोग होते हैं कर्मवादी, कुछ होते हैं भाग्यवादी। जो कर्मवादी होते हैं वो कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है उनके लिए। फिर वो स्क्रिप्चर निकाल लाते हैं, कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। मतलब ईश्वर ने, प्रकृति ने, विधाता ने इस संसार को कर्म प्रधान बना रखा है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, आपने खूब सुना होगा। कर्मा कर्मा बहुत चलता है आजकल, तो जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। फिर भाग्य वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाग्यम फलेति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। मतलब जहां भाग्य साथ देता है वहां विद्या, नॉलेज, परिश्रम, मेहनत सब धरे रह जाते हैं। ये 2 तरह की विचारधाराएं हैं। मेरे देखे ये दोनों ही विचारधारा के लोग गलत हैं या अधूरे हैं, आधी आधी बात कह रहे हैं। मतलब एक कह रहा है कि शर्ट पहनना सब कुछ है, एक कह रहा है पैंट्स पहनो तो काम हो जाएगा, जबकि दोनों पहने बिना आप घर से नहीं निकल सकते। कर्म हमारे हाथ में है। कर्म क्या है? मैं क्या खाऊं, कितना खाऊं, ये मेरे हाथ में है, मैं उठा के खा लूं। पचेगा या नहीं पचेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप कहते हैं खा करके कि पच जा। ऐसा होता है कि कई बार पनीर खाकर कुछ लोगों को बदहजमी हो जाती है और कुछ मटन खाकर बचा लेते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे हाथ में नहीं है। वो कितने टाइम में पचेगा, ये पूरा प्रोसेस है बॉडी का। आपके शरीर में कैसे एंजाइम बन रहे हैं, क्या हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपके पास मेंटल स्ट्रेस कितना है, ये सब पर डिपेंड करेगी ये चीजें। कर्म क्या है? कृष्ण कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। बड़ी आसान सी बात है, समझिए आप एक धनुर्धर हैं। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। आप एक धनुर्धर हैं। धनुर्धर मतलब आप बहुत अच्छा बॉ एंड एरो चला लेते हैं, आर्चर हैं, बहुत बढ़िया। आपने निशाना लगाया, सामने आपके एक हिरण है और आप निशाना लगाकर तीर छोड़ते हैं। आप कभी निशाना मिस नहीं करते, समझना, अच्छी प्रैक्टिस है आपकी। लेकिन जैसे ही आपने तीर छोड़ा, तीर छूटने के बाद हिरण अपनी जगह से हट जाता है। ये हिरण हट गया, निशाना चूक गया, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी है? हाँ, आप कह रहे हैं नहीं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि तीर छूटने के बाद हिरण हटा। लेकिन सोचिए, हिरण हटता नहीं और तीर सीधा हिरण को लगता, फिर आपकी तारीफ क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हिरण हटा नहीं इसलिए वो मरा। तो आपके हाथ में क्या है, हिरण को तीर लगना या नहीं, क्या आपके हाथ में है? नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, तैयारी करना, प्रैक्टिस करना, ध्यान से निशाना लगाकर तीर छोड़ना। आपके हाथ में क्या है, परिश्रम। आपके क्या हाथ में है, मेहनत। आपके हाथ में क्या है, कर्मा। भाग्य आपके हाथ में नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त्वनि कर्मणि। आप फल पर ध्यान न लगाएं, कर्म पर ध्यान लगाएं। अगर कर्म ठीक होगा तो आने वाले समय में उसका फल निश्चित ही अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाग्य कर्म की ही तो दासी है। और हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है कर्म।
तो अगर आपने ठीक से मेहनत किया, अच्छे से एग्जाम दिया, बिजनेस के लिए बहुत लग करके मेहनत किया, यही आपका फल है। रिजल्ट क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है, तो रिजल्ट जो कुछ भी हो उसे स्वीकारिए। सोहन लाल द्विवेदी साहब की लाइनें हैं, वो कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कई बार ऐसा होता है असफल होने के बाद हम ढूंढ रहे होते हैं लोगों के सर कि किसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाए, और लाइनें कहती हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, एक्सेप्ट इट। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। भाग्य को दोष मत दो, परिस्थितियों को गाली मत दो, ऐसा कुछ भी मत करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि एक सुभाषितानी का श्लोक भी आता है जो ये कहता है कि सिंह जब सो रहा होता है ना तो मृग उसके मुंह में नहीं घुस जाता, उसको उठ करके सिंह का शिकार करना होता है। कर्मस्य ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न च मनोरथैः यथा स्वपिति सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशति, जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में मृग नहीं प्रवेश कर जाता। उम्मीद करता हूं कि आज का ये मोटिवेशन मंत्र आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आप ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ अपने सफलता के मार्ग पर प्रशस्त होंगे। जुड़े रहें आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। मोटिवेटेड होते रहें, सफल होते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और जहां कहीं हैं सुरक्षित रहें। नमस्कार।